दिवाली के पटाखों की झूमघड़ाहट और हर तरफ जगमग जगमग लाइटें, दीपक से सजी हुई रंगोलियां, जहां धनतेरस पर भी रंगोली से घरों को सजाया गया तो दिवाली पर भी कोई पीछे नहीं रहा। एक से एक बढ़कर रंगोली हमारे आस पड़ोस और सबने बनाई, तो इसीलिए मैं बहुत देर बाद आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, होगा ज़रूर चैनल पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करा या चैनल का वर्क नहीं करा, मैंने आप सबके लिए रेडी की हैं कुछ प्लांट्स को लेकर बहुत ही बेहतरीन टिप्स। जी हाँ, इस दौरान जबकि मैं वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाई, मैंने कुछ घर पर ही छोटे छोटे ऑर्गेनिक प्लांट्स उगाने की ट्राई करे और उनसे जो टिप्स मुझे मिले कि कौन से प्लांट्स किस तरीके से, जैसे कि मेथी, धनिया, नींबू और इस तरीके के और भी बहुत सारे प्लांट्स कैसे उगाए जा सकते हैं। मेरे घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी है और मैंने ये भी बिल्कुल ध्यान रखा कि अगर बिल्कुल भी प्लांटिंग के लिए, पौधे उगाने के लिए घर में जगह ना हो तब कैसे हम इस तरीके की ऑर्गेनिक सब्जियां घर पर उगा सकते हैं, और जो इजीली उगाई जा सकें, ज़्यादा झंझट ना हो, वही मैंने उगाई। जो स्पेशली सभी तरीके की जो सब्जियां हैं उनको तो एक ही वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको धनिया यानी कि कोरिएंडर को उगाने का जो तरीका है वो बताना चाह रही हूँ, और इसमें किस तरीके के बीज यूज़ करने हैं, और अगर जगह है तो वहाँ किस तरीके से उगानी है, ज़मीन में किस तरीके से उगानी है, और अगर हमारे पास ज़्यादा खुली जगह नहीं है तो हम किस तरीके से गमले में, या गमला भी नहीं है तो किस तरीके से हम बहुत ईजिली उगा सकते हैं धनिया, और घर पर ही उगाकर हम किसी भी तरीके से उसकी कटाई कर उसको अपनी किचन में यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद धनिया घर में उगाने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने मेथी भी उगाई है बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन आज के इस वीडियो में हम धनिया की बात करें। हाय, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल होगा ज़रूर में। सबसे पहले हमें बीज चाहिए, हमें बहुत ईजिली हमारे घर पर ही कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया के जो साबुत धनिया हमारे पास रहता है मसाले वाला, जो कि हम कड़ी में या और कई चीज़ों में पेठे की सब्जी बनाते हुए डालते हैं, उसी का उपयोग करना है, जो हमारी किचन में हमें ईजिली मिल जाते हैं, नहीं तो आप किसी भी करियाना शॉप से बहुत ईजिली 5-10 रुपए में इन्हें खरीद सकते हैं। अब ये धनिए के दाने को उगाने के लिए आपको इनको मिट्टी में तो डालना है, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखनी है ये बात कि अगर आप एज इट इज़ इन दानों को फैला देंगे तो धनिया नहीं उग पाएगा। आपको करना क्या है, आपको इन दानों को हाथों के बीच में लेकर मसलना है। तो ये जो दाने आपको बंद बंद नज़र आ रहे हैं, ये खुल जाने चाहिए। ये देखिए, आप करीब से देखेंगे तो ये दाने इस तरीके से जो टोपी नुमा है खुल गए, हर एक दाना दो दो में विभाजित हो जाएगा, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप धनिया की पत्ती उगाने का यही रहेगा, उसके बाद ही आपको फैलाना। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये एक दाना है बंद है और एक खुला। ये देखिए, उंगलियों में मैंने एक दाने को लेकर इस तरीके से रगड़ा और ये देखिए, ये दो में खुल गया। तो ये सबसे पहला प्रोसीजर है और ये करना ज़रूरी है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। आप अगर गमले में उगाना चाहते हैं तो गमले में उपयोग कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। जी हाँ, ये बहुत इजीली अवेलेबल मार्केट में बैग है जो मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ में मार्केट से मिल गया, और ये अंदर से ब्लैक कलर का है और काफ़ी अच्छा है ये प्लांट्स उगाने के लिए, और स्पेशली जब हमारे पास बहुत ज़्यादा खुली जगह ना हो तो आप इस ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे जो है ड्रेनेज के लिए, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर निकलने के लिए, पानी निकलने के लिए छेद की ज़रूरत रहती है। जैसे हम गमले में भी होल करते हैं, उसके ऊपर बट्टी रखते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, तो मोस्टली ये जो आप ग्रो बैग खरीद के लाएंगे उसमें आपको होल्स मिलेंगे, आप ये चेक कर लीजिए ज़रूर इसको इस तरीके से। और अगर बाई चांस जैसे कि जो मैं ग्रो बैग लाई हूँ इसमें होल्स नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, इस पंचिंग मशीन से इसके बेस पर होल बना लीजिए, लेकिन पहले चेक ज़रूर कर लीजिए, शायद पहले से ही होल्स अवेलेबल हों।
ये देखिए ये इस तरीके का बैग है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में मार्केट में अवेलेबल है, तो मैंने एक ट्रायल के लिए ये एक बैग लिया है। ये मुझे मिट्टी मिल गई क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया होने के कारण तो है, मिट्टी बाहर इजली अवेलेबल थी, तो कोई इसमें खास मैंने खाद वगैरह कुछ नहीं डाला है, तो बाहर से आम जो मिट्टी रहती है उपजाऊ वाली मिट्टी जो ज़मीन के नीचे के हिस्से से निकलती है जब खुदाई वगैरह करते हैं तो वो अच्छी रहती है, वो मिट्टी मैंने ले ली है। चलिए अब इस ग्रो बैग को रेडी कर लेते हैं। आप यही सेम प्रोसेस गमले में कर सकते हैं, मैं यहाँ इसको ग्रो बैग को रेडी करना बता रही हूँ। आप इस ग्रो बैग में बहुत हैवी पौधे तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे फ्लावरिंग पौधे या फिर धनिया मेथी इस तरीके के काफ़ी पौधे आप इनमें लगा सकते हैं, काफ़ी सही रहते हैं और बिल्कुल झंझट नहीं रहता। अब यहाँ ये जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये जब मैं ग्रो बैग लेने गई तो वहाँ पे मुझे इस तरीके से ये धनिया के जो बीज हैं एक पॉलीथिन में मिले। ये लाल लाल कलर का कोई ख़ास धनिया नहीं है, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि उसमें कुछ दवाई लगी है जिससे और अच्छा उगेगा, तो आप चाहें अगर तो इस तरीके का पैकेट, ये सिर्फ 20 रुपीज़ का पैकेट मुझे मिला है, आप इस तरीके का पैकेट भी परचेज़ कर सकते हैं। और घर के धनिया के बीजों से भी मैंने धनिया उगा कर देखा है, वो बहुत सही उगता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है पहले से ही इनको मसला हुआ है और दो दो में तोड़ा हुआ है, तो आप कोई भी जो अपना तरीका है यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मिट्टी के ऊपर थोड़े से दाने एक मुट्ठी के भर फैला दिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी इसकी स्पेस है उसके हिसाब से। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से और डाल दी, या आप जो मिट्टी है उसको खुरपी की मदद से थोड़ा ऊपर नीचे कर दें, ताकि जो हमने धनिया के दाने डाले हैं उगने के लिए उनके ऊपर एक लेयर आ जाए पतली सी मिट्टी की और वो आसानी से उग सकें। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप रहेगा वाटरिंग। तो हल्का हमने छिड़काव कर दिया मग्गे से पानी का, ताकि मिट्टी हल्की गीली हो जाए। अब इसको चाहे कहीं भी रख दीजिए, चाहे तो किचन में रख लीजिए, वहीं धनिया उगेगा और आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस ग्रो बैग को बाहर क्यारी में ही रखने वाली हूँ, मुझे वहीं कन्वीनियंट लग रहा है। और अगर आप मेथी और धनिया दोनों उगाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे तीसरे या चौथे दिन में आपको मेथी की पत्तियाँ तो नज़र आने लग जाएंगी बहुत फटाफट, लेकिन धनिया को उगने में 10 से 12 दिन कम से कम लगते हैं। यहाँ ये यही प्रोसेस अगर आप गमले में करना चाहते हैं, जो पौधों के बीच में मेरी क्यारी में जगह थी वहाँ पर भी मैंने बिल्कुल सेम प्रोसीजर से साबुत धनिया के विभाजित किए हुए दाने डाल दिए और पानी का छिड़काव कर दिया। तो ये लीजिए, अब डेली डेली मैंने चेक करा, ये तीसरे चौथे दिन में आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल कोई डिफरेंस इसमें नज़र नहीं आ रहा है, वैसे की वैसी ही है धनिया की मिट्टी। तो इतनी जल्दी जो है धनिया उगकर नहीं आता है। हाँ, बीच में जो है बारिश का मौसम हो गया था तो मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पॉलीथिन से कवर कर दिया था, ताकि बहुत ज़्यादा पानी ना भर जाए, तो आप भी इसका ध्यान रखें। यहाँ ना 7वें 8वें दिन मैंने इसको फिर से ये देखिए चेक किया है, और हल्का हल्का बूर आ रहा है मिट्टी के ऊपर, कि लग रहा है कि हाँ कुछ उगेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो अब ये 10 से 12 दिन हो गए हैं, अब 12 दिन में हमें हरियाली थोड़ी सी हरा हरा धनिया नज़र आने लग गया है, प्रॉपर शेप नहीं लिया है धनिया पत्ती ने, लेकिन धनिया उगाया है। और ये हो गए हैं 17 डेज यानी 17 दिन के बाद ही धनिया की कुछ शेप हमें नज़र आने लगी है और धनिया खिला खिला नज़र आने लगा है। ये ज़मीन में जो मैंने धनिया के दाने डाल दिए हैं वो भी उगने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल पौधों के बीच बीच में खाली मिट्टी में उग गए। और वहीं अगर हम आपने मेथी भी उगा रखी है, आप देखेंगे वो तो बहुत अच्छे से हरी हो चुकी है, काटने को भी 10-12 दिन में बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो मेथी की जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी स्पीड से उग जाती हैं बजाय कि धनिया के। ये देखिए ये मेथी बिल्कुल कटिंग के लिए तैयार है। तो मेथी मैंने एक बोरी में भी उगाई है, उसी तरीके से आप बोरी में धनिया भी उगा सकते हैं। बोरी में वही मिट्टी डालनी है, बाल्टी में डाल लीजिए, बोरी में डाल लीजिए, ज़मीन है उसमें उगा लीजिए। या फिर मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक और भी टिप बताने वाली हूँ, जिसमें आपको बोरी की, ज़मीन की और गमले की भी ज़रूरत नहीं है, उससे भी आप उगा सकते हैं। अब ये ग्रो बैग में जो है
17 डेज में कम से कम लगे हैं इसको, 17 दिन में ये धनिया तैयार हो गया। और बहुत बेहतर क्या रहता है कि आप इस धनिया को ऊपर ऊपर से कैंची से काट लो। इससे फ़ायदा ये रहता है कि ये धनिया जब हम उगाते हैं, अगर हम ऊपर ऊपर से काट लेंगे, जड़ें नहीं निकालेंगे, तो ये फिर से उग जाएगा। 3 बार ही इसके पत्ते उग जाते हैं बहुत आसानी। जितना आपको चाहिए आप ऊपर ऊपर से काट लीजिए, ना इसको पत्ते छांटने की, साफ़ करने की ज़रूरत है, बस इसको काट के धो के और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर पे ही आपका बिल्कुल धनिया जो है रेडी हो गया, जिस टाइम आपको यूज़ करना है उस टाइम। देखिए इस तरीके से ऊपर ऊपर से आप कैंची से काट लीजिए अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ये देखिए वही 17-18 दिन हमें ज़मीन में भी लगे हैं, टाइम उतना ही लगा है, उसको भी आप काट कर यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक धनिया बिना दवाइयों के छिड़काव वाला रेडी हो गया है। तो अब बारी है एक और शानदार टिप की, ग्रो बैग, पॉट या घर की ज़मीन, इन सब के अलावा भी आप एक और तरीके से धनिया मेथी उगा सकते हैं। जी हाँ, कार्टून यानी गत्ते के डिब्बे में भी उगा सकते हैं। उसको आप तैयार कर सकते हैं, उसमें आप पॉलीथीन लगा दीजिए, पॉलीबैग्स, और उसमें आप होल्स कर दीजिए, सीज़र या चाकू की मदद से छोटे छोटे होल कर दीजिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। फिर स्टेपलर की मदद से आप एक पॉलीथीन से उसको हल्का कवर कर दीजिए। अब वही उसमें डाल देनी है मिट्टी, और मिट्टी में आपको फैला देने हैं साबुत धनिए के दाने जो कि हमने तोड़े हुए हैं 2-2 में, जिनको मसला हुआ है, जो कि प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे 2-4 दिनों बाद ज़रूरत के मुताबिक उसको पानी देना है, और इस तरीके से गत्ते के डिब्बे में यानी कार्टून में भी धनिया उगकर रेडी हो सकता है। तो इस तरीके से आप चाहे गमले में उगाएं, घर की ज़मीन है, थोड़ी सी क्यारी है उसमें उगाएं, धनिया घर पर ज़रूर उगाएं। अब मेरे बताए तरीके से अपने पौधों को हरा भरा करके मौसम को भी खुशनुमा कर दीजिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप भी ऐसी ही कोई ट्रिक जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड करूँगी, लेकिन उससे पहले उसे ट्राई करके ज़रूर देखूँगी। जी हाँ, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी। शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ भी इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का लिंक आपके पास फ्री में सबसे पहले आ सके। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही नई किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।